स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले जिस स्टॉक के बारे में, उस स्टॉक के बारे में कुछ कुछ न्यूज इन्फॉर्मेशन और एनालिटिक्स लाइक टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आपको बारीकी से समझाऊंगा। सीधे आपको लेके आ जाता हूँ मदरसन सुमी सिस्टम के स्टॉक पे के नाम पे। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग मदरसन सुमी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको सीधे लेके आ जाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे। इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे लेकर आ चुका हूँ आपका। अगर आप देखोगे तो हमें एक खतरनाक यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। कल भी हमें लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली और 1% को मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी गिरावट दिखा चुका है। उसके बाद भी 1% की गिरावट, इसमें मतलब शॉकिंग गिरावट है। ठीक है, अब आपको कुछ और समझाऊंगा। देखिए, मैं एक कमजोरी आपको बताना चाहूंगा जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की होती है। सबसे पहली कमजोरी उनकी होती है बेस्ट क्वालिटी का शेयर वो लेंगे लेकिन बेस्ट रेट पे नहीं लेंगे और वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे कि उनके पास एवरेजिंग का पैसा नहीं रहता। आप हमेशा 70-30-20 ये रूल फॉलो कीजिए या 50-30-20 ये मैं बोलने वाला था, इसको फॉलो कीजिए। 50-30-20 कहने का मतलब एंट्री लीजिए 20%, आपको लगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपने रिस्क भी तो 20% भाग गया तो भाग गया, फिर 20% भी लीजिए। अगर और गिरता है फिर 30% और ऐड कीजिए और फिर अगर और गिरता है और लगता है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पे आप और बाकी के 50% यानी अब 100% आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो एवरेजिंग आपकी जबरदस्त लेवल की होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं मदरसन सुमी सिस्टम का स्टॉक क्यों गिर रहा है वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद पहले मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहूंगा। वॉल्यूम अच्छा खासा इसमें बढ़ा है, 67 लाख वॉल्यूम की यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिली, जिसमें से 29 लाख शेयर की डिलीवरी हुई है, जिसमें परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 43% की डिलीवरी उठाई गई। अच्छी खासी यहाँ पे आपको डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं, आपको देखिए मोतीलाल ओसवाल सर ने रिसर्च किया, मतलब इनकी टीम ने, बहुत रिस्पेक्टफुल है, ये ब्रोकर भी है प्लस में इनको पर्सनल लेवल पे भी बहुत अच्छा इंसान है। तो इनके जो फॉर्म ने रिसर्च किया है यहाँ पे एक आउटकम निकल के आ रहा है, बाय मदरसन सुमी टारगेट ऑफ 285 मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल इज बुलिश ऑन मदरसन सुमी सिस्टम, रिकमेंडेड बाय रेटिंग विद द टारगेट प्राइस ऑफ 285 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो इन्होंने रिसर्च किया था, ये रिजल्ट आज मतलब थोड़ी सी लेट निकल के आ रही बट ये 10 अगस्त का रिसर्च रिपोर्ट इनका है यहाँ पे। चलिए कुछ और आपको दिखाता हूँ। ये चीज मतलब बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ से एक क्यों इन्होंने पूरा Q1 को क्लेरिफाई किया हुआ है, आप देख सकते हो आउटकम क्या कह रहा है यहाँ पे। जो भी मतलब बढ़त इनको देखने को मिली वहां पे इन्होंने बताया है। अब हम चलते हैं आगे की क्यों यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली बिजनेस स्टैंडर्ड का सहार इसे आर्टिकल के, बिजनेस स्टैंडर्ड ने डायरेक्टली क्लियरली यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ और लिखा हुआ है नियर टर्म प्रेशर फॉर मदरसन सुमी ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शन। यहाँ पे जो इनका सप्लाई का चेन में जो प्रॉब्लम आई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके या फिर सप्लाई में जो भी डिसरप्शन हुई है उसको लेके नियर टर्म यानी कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स या एक क्वार्टर की बात की है, मंथली वीकली लॉन्ग टर्म नहीं, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा डिसरप्शन हो सकता है, इस स्टॉक को थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये रीजन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया क्यों यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि एक दिन तेजी भी इसमें बनी बट उसके बाद फिर क्यों गिरावट आ गई उसका रीजन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। IIFL सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे आपको लेकर आ चुका हूँ आर्टिकल के सामने। मदरसन सुमी देख सकते हो, ये न्यूज भी 11 जून का है, अगस्त का है। मदरसन सुमी अपॉइंट रेखा सेठी एज अ डायरेक्टर, स्टॉक डाउन 1%। यानी मदरसन सुमी ने क्या किया, अपॉइंट किया रेखा सेठी जी को डायरेक्टर के तौर पे और स्टॉक जो है 1% गिर गया। क्यों, सेंटीमेंट बेसिस पे रेखा जो सेठी जी हैं उनकी परफॉर्मेंस में लोगों को डाउट होगा बट हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मदरसन सुमी ने अगर जो भी कोई डिसीजन लिया सोच समझ के लिया होगा। आप और देख सकते हैं द अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर कमेंसिंग फ्रॉम अगस्त 10, 2021 टू 9 अगस्त 2026 तक का इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीरियड रखा हुआ है, उसके बाद ये और भी आगे बढ़ सकता है। तो ये रीजन आपको मैं क्लियरिफाई कर दिया। अब चलते हैं, आपको यहाँ पर कुछ रेटिंग्स वगैरह टेक्निकल रेटिंग्स दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे कम्युनिटी फोरम के बाद हम लोग चलेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट पे। तो देखिए रेटिंग यहाँ पे देखिए निकल के आ रही है, 89% पीपल आर सेलिंग अस टू बाय, 11% सेल और 0% होल्ड यानी होल्ड। तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले भी शायद ऐसा कुछ मुझे मिला था, मैंने बोला था ये बिल्कुल एक मजाक ही है ना, अगर आप 89% बाई करोगे तो 89% होल्ड भी हो गया, 11% ओनली सेल। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर ट्रांजेक्शन कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। पॉइंट्स पे मैंने आपको जब भी वीडियो बनाई थी मैंने बताया था यहाँ पे जो फ्लैग टर्न बन रहा है यहाँ पे हमें या तो ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, दोनों बात मैंने कही थी। यहाँ पे हमें मिलता है ब्रेकडाउन बट स्टॉक क्या कर रहा है, इस रेंज में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
इस रेंज में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 210 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अवेलेबल है, बट ये पीवट लेवल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके पहले जो आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर सपोर्ट ये इसलिए बन रहा है, ये सपोर्ट यहाँ पे इसलिए ले रहा है क्योंकि आप देख सकते हो यहीं से स्टॉक ने बाउंस बैक करा था और इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करा था, तो रेसिस्टेंस सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। पिछली बार जो रेसिस्टेंस था, अब यहाँ से जब स्टॉक भागने की तैयारी में आएगा तो डेफिनेट सी जो 285 का टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। यहाँ पे 231 का आपका पहला टारगेट है, 235 का सेकंड टारगेट, 247 का थर्ड टारगेट, यहाँ पे T3 है मतलब रेसिस्टेंस आप बोल सकते हो, 260 का यहाँ पे अगला टारगेट और 286 का अगला टारगेट। यानी मिनिमम लेवल पे अगर देखा जाए तो जब ये स्टॉक 235 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन कर देता है इस लेवल को, तो ये आपको सीधे सीधे 247 के ही रेसिस्टेंस पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो 247 का टारगेट का यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी बाई साइड इसलिए भी है क्योंकि RSI इंडेक्स बहुत ही लोएस्ट लेवल पे आज पे ट्रेड कर रहा है, ओवरसोल्ड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और कोई भी शेयर ज्यादा दिन तक नहीं ओवरसोल्ड ना ही ओवरबॉट रह सकता है। यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो ओवरबॉट में गया और वहीं से एक डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई शेयर में, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करें सोच समझ के करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब का ख्याल, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में।